प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की बुक के 6th चैप्टर स्वस्थ तन सुखी जीवन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ तन ही सुखी जीवन का आधार है। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम में डटे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे। आखिर सुषमा ने, उनकी मम्मी ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो का बातें काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी, तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उनके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौंहें एनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। दादाजी को गुस्सा आया कि इतने गंदे बच्चे कैसे आए हैं। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। अब दादाजी ने उन्हें शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें न केवल अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, बल्कि आसपास जो भी हमारे घर है, आसपास है, उसे भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो साफ सुथरा रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसले हंसाने का मन करता है और रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास नहीं फटकता है। तो इसके लिए हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहने के लिए हमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना ही नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना कि काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हन्नी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देनी चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है, सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी के कीटाणुओं के फैलने का गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है।
सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दो, सुषमा की आवाज आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिनाती हूँ कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी कहते गए, खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हों जिससे शारीरिक व्यायाम हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे। धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा कि सुखी जीवन के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके लिए हमें स्वयं को भी और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। रोज नहाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। खाना पीना हमारा ताजा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।